रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। यूपी के कानपुर देहात में जिलाधिकारी ने 3 दिवसीय प्रदर्शनी का फीताकार कर किया उद्घाटन। आपको बता दें कि कानपुर देहात में दिनांक 25 फरवरी 2023 की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का जिलाधिकारी नेहा जैन ने फीताकार कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा राज्य व केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। उन्होंने कहा प्रदर्शनी से आम जनमानस को सरकार की योजनाओं की पूर्ण जानकारी मिल सकेगी और समस्त जनता को संदेश भी दिया कि जनता अधिक से अधिक आकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त करे एवं अन्य व्यक्तियों को भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी हमें प्रदेश के आर्थिक विकास के दर्शन कराती है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन के केशव नाथ गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया, जिला सूचना अधिकारी नरेंद्र मोहन, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संवाददाता अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या कुछ है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी क्रम में सूचना विभाग द्वारा आज कलेक्ट्रेट के परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई है और इसमें जो भी अलग अलग विभाग हैं जिनमें सरकार द्वारा योजनाएं फलीभूत करी गई हैं उसको आम जनता तक पहुंचाना इसका मकसद है और यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका मैंने अवलोकन किया। मैम, यहाँ पे कई सारी योजनाओं को लेके भी प्रदर्शनी का किया गया है, चित्रा मैम क्या कहेंगे इस दौरान? देखिए, मैंने जैसे अभी लिखा भी है कि जो भी प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उसको ज़मीनी हकीकत तक लेके आना यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी उनका मूल दायित्व है। तो सभी लोगों को लग कर मेहनत कर कर जो भी यहाँ पे योजनाएं दिखाई जा रही हैं उनको जनपद में लाने का प्रयास और अच्छा प्रयास करने की आवश्यकता है। उसके लिए निरंतर उनको प्रत्येक दिन मेहनत करनी है, तो यही मेरा संदेश है।